तीन साल बाद पूर्णिमा और अमावस्या के बीच पहले एक लड़की गायब होती है, बाद में एक लड़का गायब होता है। यादव, यादव मैडम जी, क्या हुआ मैडम जी? मेरी बेटी मानवी, यादव जी वही निशांति कमरे में मेरी आवाज में भी बात कर रही थी, पता नहीं कैसे वो... जाओ वरना यही खत्म कर दूंगी। बता मेरी बेटी का, बता। कल उस घर के बाहर तू ही थी ना जहां से वो बच्चा गायब हुआ था? देख के आती हूँ। तो मैं ये सब समझी तुम? बताओ बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अब सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रही है? क्या आपने उस साई को महसूस नहीं किया? मैंने आपकी आंखों में वो खौफ देखा है, पर अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने घर का आईना देख लीजिए, सब टूटे। इस साई की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है आईना। अगर ये अपने आप को किसी आईने में देख ले तो वो उसमें कैद हो जाती और उसी नरक में वापस चली जाती है जहां से वो आई थी। इसीलिए किसी भी घर में जाने से पहले वो अपनी शक्तियों से उस घर के सभी आईनों को खंडित कर देती है। कोई भी हो, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, प्लीज। बेटी चाहिए अपनी, पर अब तो वो मेरी हो चुकी है।